और एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां के गोविंदपुरी में फायरिंग की घटना सामने आई है। आइसक्रीम वाले को गोली लगी। गोली लगने से आइसक्रीम विक्रेता घायल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में एक आइसक्रीम विक्रेता को गोली मारी गई है। गोविंदपुरी में फायरिंग की इस वारदात में आइसक्रीम विक्रेता को गोली लगी है, वो घायल हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्राइम सीन की, जहां पर एक आइसक्रीम वेंडर के ऊपर अटैक किया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में फायरिंग की यह घटना हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ यहां पर की जा रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। आइसक्रीम वाले को गोली लगी। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद और पूरी स्थिति का जायजा यहां पर लिया गया। क्राइम सीन को सील किया गया और यहां पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। देर रात ही घटना सामने आई जब दिल्ली के गोविंदपुरी में एक आइसक्रीम वाले को गोली लग गई। Z News.